हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम एमपी एनएचएम रिहेबिलिटेशन वर्कर एग्जाम 2023 से संबंधित जानकारी देखने वाले हैं। रिहेबिलिटेशन वर्कर 2023 का रिजल्ट कब तक आएगा, रिजल्ट कैसे निकालना है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। तो गाइज, यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। रिजल्ट चेक करने के लिए आपको सबसे पहले freshint.com वेबसाइट पर विजिट करना है। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट मध्य प्रदेश ने नेशनल हेल्थ मिशन मध्य प्रदेश में रिहेबिलिटेशन वर्कर के 134 पदों को भरने के लिए परीक्षा आयोजित की है। इस भर्ती के ऑनलाइन फॉर्म 23 जून से 22 जुलाई 2023 तक अप्लाई किए गए थे और इसकी एग्जाम 15 सितंबर 2023 को आयोजित की गई। 15 सितंबर 2023 को इसकी एग्जाम सफलतापूर्वक आयोजित की गई है। तो 15 सितंबर को जो भी उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए हैं, वे सभी उम्मीदवार इसके परिणाम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जहां तक इसके परिणाम की बात की जाए तो संभावित है कि इसका परिणाम आपको अक्टूबर माह में देखने को मिल सकता है। इसका रिजल्ट आपको अक्टूबर के 4th वीक तक देखने को मिल सकता है। फिलहाल इसका 3rd वीक चल रहा है, अगले वीक तक आपको इसका परिणाम देखने को मिल सकता है। फिलहाल इसके रिजल्ट से संबंधित कोई भी अपडेट ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी नहीं की गई है, लेकिन जैसे ही इसके रिजल्ट से संबंधित कोई भी अपडेट जारी की जाती है तो वह आपको तुरंत उपलब्ध करवाई जाएगी इस चैनल पर। और जैसे ही इसका रिजल्ट जारी किया जाता है तो इस लिंक को भी अपडेट कर दिया जाएगा, यहाँ से आप अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे। इसके अलावा भी आपको एक और वीडियो मिल जाएगा, जैसे ही इसका परिणाम जारी किया जाएगा तो इसका वीडियो आपको तुरंत मिल जाएगा। तो आप सभी से मेरी यही रिक्वेस्ट है, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही इसका रिजल्ट जारी किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए और आप अपना रिजल्ट चेक कर पाएं। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।